हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है नेक्स्ट डे की सुबह, और जैसा कि हमने बताया था, हम अब से हर दिन रेगुलर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई ली है अपनी चाय, यहाँ पे अप्पे का साचा है। घर में सबके लिए इडली बनी है, बट हम डाइट पे राइस निकाल रहे, तो हमने सूजी के अप्पे बनाने की तैयारी कर ली है। जी 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 ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ हो रही अप्पे बनने की तैयारी, यहाँ चढ़ी है मेरी चाय, चटनी बन चुकी है नारियल की। तो बस फटाफट से अब नाश्ता बनाते हैं और खाते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया अप्पे बने हैं, दोनों साइड से पक गए हैं और चटनी रेडी है। चलिए अब इसको खाते हैं। तो ये देखिए हमारा नाश्ता रेडी है, अप्पे और साथ में चटनी। तो बस हम जा रहे हैं, और बिल्कुल हेल्दी है, ऑयल बहुत थोड़ा सा है, सूजी का अप्पे है, सॉरी फंबल हो गया। और बस अब हम नाश्ता एंजॉय करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए यहाँ पे जिया जी ओम को कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सिखाते हुए, क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट है। और फिर ना फटाफट से हम रेडी हो गए अपने आईटीआई फार्म हाउस का आईटीआई जो भी बोली वहाँ जाने के लिए। तो ये आज का हमारा लुक था। तो चलिए अब चलते हैं हमारे आईटीआई। फ्रेंड्स, तो आईटीआई घर से काफ़ी दूर था, तो वापस आते थे थोड़ी भूख लग गई, डाइटिंग पे थे, तो हमने सोचा कुछ हेल्दी ऑप्शन चूज़ करते, और दीदी का भी फास्ट था, तो हम सब ने बस चाय और कॉफ़ी ऑर्डर किया। नन्हे आए और वहाँ की कॉफ़ी ना पिए ये तो हो नहीं सकता, तो नन्हे में हमने बढ़िया सी कॉफ़ी ऑर्डर की और सबने चिल किया। ये देखिए यहाँ दीदी बैठी हुई है और यहाँ जनाब ओम अपने फ़ोन से मज़े करते हुए, मम्मी और साकेत जिया जी ठंडा पानी लेने गए हुए थे हमारे लिए, और बस फिर हम घर पहुँच गए। तो बस घर आए पहले तो हमने सबसे पहले चाय एंजॉय की, ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिले, क्योंकि रेडी वेडी होकर दिया जलाया, उसके बाद ही खाना बनाना था। तो सोचा सबको भी चाय दे दें और ख़ुद भी चाय पी लें। तो बस हम यहाँ पे अपनी चाय एंजॉय करते हुए, तब तक किचन में बाकी चीज़ें हमने रेडी कर ली थी, फिर हम किचन में गए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अगेन वेलकम, मतलब शाम हो चुकी है और हम सोचते कोशिश करते हैं कि 8 बजे से पहले पहले डिनर कर लें। तो इधर बूंदी को बॉयल होने छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ पालक की ना भाजी बॉयल पड़ी थी, तो आज कुछ डिफरेंट बट सादा खाने का मन करा, तो मैंने सोचा पालक और बूंदी बनाते हैं। तो बस इसमें ना मैं प्याज भूनूंगी, उसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और टमाटर थोड़ा भून के इस पालक के साथ अच्छे से पीस दूंगी, और उसमें फिर बूंदी मिला दूंगी। तो बनाते हैं, फिर बताते हैं कैसा रहा आपको इसका टेस्ट, और दिखाते भी हैं कैसे लगती है बनने के बाद हमारी ये न्यू डिश पालक बूंदी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 7:35, और ये हमारा पालक की सब्जी, दो रोटी, कुछ सैलड आ गया है। अब हम डिनर करेंगे, और आई थिंक 9:30 बजे के अप्रॉक्स ब्लॉग भी पोस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का डाइट। सुबह हमने खाया सूजी था, सूजी से आप कुछ भी बना सकते हैं, तो हमने अप्पे बनाए थे और थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी नारियल की चटनी ली, क्योंकि वो ही बनी थी और भूख बहुत तेज़ लगी थी। वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो आप नॉर्मल कोई और चटनी भी बना सकते हैं। दिन में वैसे खाने की थी एक रोटी और रात की एक रोटी, बट दिन में हम बाहर चले गए थे तो टाइम नहीं था, तो मैंने बीच में एक नारियल पानी और एक नन्हे की कॉफ़ी जो मैंने डाला था वो पी लिया, और घर आने के बाद मैं ये दो रोटी और सब्जी खा रही हूँ। तो यही डाइट है, फर्स्ट वीक डिटॉक्स है, वरना बहुत लोग बोलेंगे कि प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेंगे हम नेक्स्ट वीक से लेंगे, तो धीरे धीरे करके लेंगे बॉडी को, ताकि एक हेल्दी रूटीन सेट हो और एडुकेट क्वांटिटी में बॉडी को प्रोटीन जाए। तो बस ये था आज का दिन, ऐसे ब्लॉग्स और आते रहेंगे। ये था आज का दिन, ऐसा कुछ बीता क्या कुछ खाया हमने बताया, ऐसे और ब्लॉग्स आते रहेंगे। ऑल आई वॉन्ट इज योर सपोर्ट, प्लीज़ अगर ये वीडियोस, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।